हे एवरीवन क्योंकि आप जानते हैं कि ये एग्जाम टाइम है तो सभी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं और पेरेंट्स भी वर्कशीट्स ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे बच्चे की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करा सकते हैं सो क्लास थ्री की मैथ्स की वर्कशीट है फिलिंद द ब्लैंक्स एंड राइट द नंबर नेम्स तो यहां पर 245 है सो टू फोर एंड फाइव देन यहाँ पर बच्चे को नंबर नेम्स लिखना है नंबर नेम्स मतलब टी डब्लू टू एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड सो इस तरीके से बच्चे को नंबर न्यूज भी लिखने हैं देन फिलिंग द ब्लैंक्स एंड राइट द नंबर्स सो फोर हंड्रेड नाइन तो यहां पर आपका बच्चा क्या लिखेगा फोर देन यहां पर जीरो देन यहां पर नाइन और फिर उसके बाद बच्चा लिखेगा फोर जीरो नाइन फोर हंड्रेड नाइन इस तरीके से क्योंकि ये मैंने अपनी बेटी के लिए वर्कशीट बनाई है तो इसलिए मैं ज्यादा उसको फिल नहीं कर रही हूं और उसको मुझे एज अ टेस्ट करके दिखाना है नाउ राइट द नेम्स फॉर द नंबर नेम अब यहाँ पर नंबर नेम्स बच्चे को गिवन है आपको नेम्स लिखने हैं सबसे पहले आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे आप बच्चे को तो कहेंगे कि भाई ये आपको देखनी है कि कौन सी प्लेस वैल्यू तक गिवन है थाउजेंड तक सो so, आपको पहले प्लेस वैल्यूज लिखनी है वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड उसके बाद क्या गया क्या कहा गया है एट थाउजेंड तो एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन तो ये आपका करेक्ट आंसर है बगैर प्लेस वैल्यू के बच्चे को ये क्वेश्चंस मत करवाइएगा बिल्कुल गलत करेगा ठीक है तो इसलिए आपको पहले बच्चे को प्लेस वैल्यूज सिखाने हैं उसी के अकॉर्डिंग कराने हैं देन उसके बाद नाइन थाउजेंड फोर्टी एट सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फोर टू थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेल्व देन राइट द नंबर नेम्स अब यहाँ पर नंबर नेम्स लिखने हैं सेम जैसे हमने इसमें किया था हमें क्या करना है पहले बच्चे से प्लेस वैल्यू लिखवानी है उसके बाद बच्चे के लिए आसान हो जाएगा इसका नंबर नेम लिखना थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी नाइन है ना ऐसे यहाँ पर भी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी फाइव टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी एट एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट ठीक है नाउ राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में बच्चे को लिखना है हमेशा समझाती हूँ कि आपको वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड बच्चे को बताना है जब आप बच्चे को प्लेस वैल्यूज़ की वैल्यू बताएंगे ना तो आपका बच्चा समझेगा भी और ज़िंदगी में कभी कोई भी आंसर गलत नहीं होगा सबसे पहले हमें हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को चेक करना होता है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिग टू स्मॉल सो यहाँ पर हमें ये देखना है कि थाउजेंड प्लेस वैल्यू पर कौन सा नंबर सबसे बड़ा है तो नाइन बड़ा है लेकिन यहाँ पर दो डिजिट्स हैं जो नाइन से स्टार्ट होती हैं जब मुझे थाउजेंड प्लेस वैल्यू पर सेम डिजिट मिल रही हैं फिर मैं हंड्रेड प्लेस वैल्यू पर जाऊंगी कि अब मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है टू है या नाइन है तो नाइन बड़ा है तो पहले मैं इसको लिखूंगी नाइन नाइन सिक्स फाइव क्योंकि इन दो में मैं कंपेयर कर रही थी तो नेक्स्ट नंबर मेरा ये आएगा नाइन टू थ्री फाइव उसके बाद फिर से मैं थाउजेंड प्लेस वाली चेक करूंगी यहां पर कौन सा बड़ा है मेरा फाइव वाला बड़ा है तो ये नंबर लिख लूंगी और लास्ट मेरा ये नंबर बच जाएगा तो इस तरीके से बच्चे को आपको सिखाना है ठीक है देन आता है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर जैसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर किया है सेम उसी केस में आपको असेंडिंग ऑर्डर भी करवाना है असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल टू बिग ठीक है तो ये बस बच्चे को पता होना चाहिए राइट द नोम रोमन नंबर्स रोमन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपको आता है तो सिखाइए नहीं तो मैं आपको बहुत इजी मेथड सिखाती हूँ तो वन टू थ्री अप टू टेन बच्चे को आता है बहुत इजीली ठीक है उसके बाद हम वन ऐसे लिखते हैं टू ऐसे लिखते हैं और थ्री ऐसे लिखते हैं हम फोर ऐसे क्यों नहीं लिखते दैट मीन्स ये फोर कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये जो वन है ये आप सिर्फ थ्री टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं उसके बाद रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल होता है तो हम फोर हमेशा ऐसे लिखते हैं अब आपने कभी सोचा है कि हम फोर ऐसे क्यों लिखते हैं हम वन पहले के लगाते हैं और वी बाद में लिखते हैं आपने कभी सोचा है आई पहले करते हैं वी बाद में लिखते हैं उसका रीज़न ये है क्योंकि हम ये हमारी फाइव है ये हमारा फाइव है और ये हमारा टेन है जो हमें पता होता है बाकी अगर आपको नहीं भी पता तो भी चलेगा अब आपको फोर लिखना है तो फोर कैसे करोगे अगर आपका छोटा नंबर जैसे कि थ्री टू वन ये सब छोटे नंबर आई पहले लिखा हुआ है दैट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट हुआ है आपने फाइव में से वन सब्ट्रैक्ट किया है तभी आपका फोर आया है इसीलिए आप आई भी लिख रहे हो अगर आप v1 लिख रहे हो दैट मीन्स फाइव प्लस वन लिख रहे हो आप तो v प्लस वन सिक्स हो गया ठीक है अगर बाद में छोटा नंबर आ रहा है तो प्लस कर रहे हो अगर पहले आ रहा है तो आप माइनस कर रहे हो ये रूल है देन यहाँ पर है ट्वेंटी फाइव कभी भी जब हम रोमन नंबर्स करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है तो ट्वेंटी प्लस फाइव अब ट्वेंटी को फिर से एक्सपेंड कर दो टेन प्लस टेन प्लस फाइव टेन टेन ऐसे लिखा जाता है एक्स एक्स और फाइव ऐसे लिखा जाता है ये आपका आंसर हो गया ना ट्वेंटी प्लस थ्री इज ट्वेंटी थ्री सो टेन प्लस टेन प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री तो टेन ऐसे हो गया ट्वेंटी और थ्री आपका ये हो गया तो है ना बहुत इजी इसी तरीके से आपको बच्चे को सिखाना है और करवाना है और अगर आपने मेरी रोमन नंबर्स की स्पेशल वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जरूर देखिएगा उससे आप बच्चे को अच्छे से समझा पाएंगे इन अ ट्रेन देयर आर टू हंड्रेड थर्टी सिक्स फर्स्ट क्लास सीट्स एंड एट हंड्रेड फोर्टी एट सेकेंड क्लास सीट्स वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ट्रेन तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स दिखानी है क्योंकि बच्चा आपका थर्ड क्लास में है तो बच्चे को क्या करना है uh, इसमें यहाँ पर स्टोरी uh, लिखनी है स्टोरी समझाइए तो यहाँ पर स्टोरी लिखनी है से कि फर्स्ट क्लास में कितनी सीट थी सेकंड क्लास में कितनी थी और उनको दोनों को ऐड करके तब दिखाना है नाउ सैयद हैज इतने स्टे, स्टैम्प्स और उसके सिस्टर के पास इतने हैं तो टोटल स्टैम्प्स हमें बताना है ऑल का मतलब टोटल तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सैयद हैज स्टैम्प्स कितने हैं देन अमीना uh, हैज स्टैम्प्स कितने हैं और उनको ऐड करके यहाँ दिखाना पड़ेगा देन राइट द वन बिलो एंड अदर एंड एंड मतलब आपको एक के नीचे एक नंबर्स लिखने हैं और उसके बाद ऐड करना है बेसिकली ये कॉलम्स में लिखना है बच्चों को नंबर और उसके बाद ऐड करना है ये नंबर्स भी मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि भाई आप प्लेस वैल्यू के थ्रू बच्चे को सिखाएंगे तो वो ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करेगा और ये इनिशियल स्टेज पर अगर आप प्लेस वैल्यू की uh, से करना सिखाएंगे ना तो आगे उसकी कभी भी गलती नहीं होगी तो हमेशा प्लेस वैल्यू के थ्रू ही करवाइए सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखवाइए और फिर बच्चे से कहिए कि वो बच्चा इसमें यहाँ पर अपना नंबर लिखे ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे की कभी भी लिखने में गलती नहीं होती है और उसके लिए सब कुछ आसान भी हो जाता है ठीक है उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इफ़ यस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू